रूस से तेल खरीदने को लेकर यूरोप अक्सर भारत पर सवाल खड़े करता रहता है। रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत अपना स्टैंड साफ कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद यूरोप के देश और वहां के नेता भारत के इस फैसले की आलोचना करते रहते हैं। बीते दिनों यूरोपियन यूनियन यानी ईयू के विदेश नीति के सर्वोच्च प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल ने रूस से तेल आयात करने को लेकर भारत की आलोचना की थी। अब अपने ही इस बयान को लेकर ईयू के इस नेता के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। जोसेफ बोरेल ने कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीद रहा है तो फिर ठीक है। बोरेल ने बीते दिनों इस बात पर आपत्ति जताई थी कि आखिर भारत रूस से तेल खरीद कर फिर से उसे प्रोसेस करके यूरोप को बेचता है। बोरेल का नया बयान ये बताने के लिए काफी है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले दिनों उनके जिस नियम पर नसीहत दी थी, अब वो उन्हें शायद समझ आ गया है। इस वजह से उनके तेवर ढीले पड़ गए हैं। जोसेफ बोरेल, जिन्हें ईयू का नीति गुरु कहा जाता है, उन्होंने कहा है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, ठीक है। ये बात भी सच है कि ईयू अपने खुद के प्रतिबंध और नियम दूसरे देशों पर थोप नहीं सकता। बोरेल के मुताबिक वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो भारत के साथ किसी समस्या से बचना चाहते हैं, बल्कि वो जानते हैं कि भारत पर यूरोप की इच्छा नहीं थोप सकते हैं। वो ये कहना भी नहीं भूले कि भारत अब यूरोप को और ज्यादा प्रोसेस्ड प्रोडक्ट सप्लाई करने लगा है, यानी यूरोप को अभी भी रूस से सस्ता तेल मिल रहा है, लेकिन तीसरे देश से। यही बात उन्हें नागवार गुजर रही थी। जोसेफ बोरेल के जो तेवर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं, वो बीते हफ्ते तक काफी तल्ख थे। उन्होंने मांग की थी कि भारतीय रिफाइनरीज पर एक्शन लेना चाहिए क्योंकि वो रूस से आने वाले कच्चे तेल को प्रोसेस करके यूरोप को बेच रही हैं। इसके बाद भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब देकर उनका मुंह बंद कर दिया था। जयशंकर ने कहा कि इस नियम के साथ ही ये साफ हो जाता है कि रूस से आने वाला कच्चा तेल अगर किसी तीसरे देश में प्रोसेस से गुजरता है तो फिर उसे रूसी तेल नहीं समझा जाएगा। जयशंकर के इस शानदार जवाब ने यूरोपीय नेता के हर आरोप को ध्वस्त कर दिया। ये यूरोप को भारत का तगड़ा जवाब था जिसके लिए जयशंकर हमेशा जाने जाते हैं। जयशंकर कई मंचों पर यूरोप को लताड़ लगा चुके हैं। जयशंकर यूरोप को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए जाने जाते हैं और इस बार भी जयशंकर के इस जवाब ने यूरोप का मुंह बंद कर दिया है और भारत की ताकत दुनिया को दिखा दी है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।